बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया गोलीकांड मामले से जुड़ी हुई, जी हां, बलिया गोलीकांड मामले से जुड़ी हुई बेहद अहम और बड़ी खबर। यूपी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था धीरेंद्र पर, 10 टीमें लगी हुई थी और आखिरकार पुलिस को अब कामयाबी हाथ लगी है। तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा के समय बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप को गिरफ्तार किया गया। बलिया गोलीकांड का ये पूरा वाकया, इस पूरे मामले में अब तक मुख्य आरोपी फरार चल रहा था धीरेंद्र प्रताप सिंह, और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो गई है। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया गोलीकांड मामले से जुड़ी हुई। हालांकि संकेत ये भी थे कि कहीं कोर्ट में आत्मसमर्पण न कर दे आरोपी, लेकिन सिर्फ ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था। जबकि पुलिस की गिरफ्त में आ गया है मुख्य आरोपी, पुलिस के हत्थे चढ़ गया धीरेंद्र प्रताप सिंह, बलिया गोलीकांड का ये मुख्य आरोपी है। 50,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया। गैंगस्टर के तहत अन्य कई गंभीर धाराओं में इस पर मामला दर्ज किया गया। फरार चल रहा था और आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। आपको ये बता दें कि ये आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो वायरल कर रहा था, वीडियो बना के अपने आप को बेगुनाह बता रहा था, कह रहा था कि सब कुछ शासन प्रशासन की तरफ से हुआ है, प्रशासन ने इस पूरे मामले में हिलाहवाली बरती है, लेकिन आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर बलिया कांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही थी, टीमें गठित की गई थी, इनाम की राशि को बढ़ाया गया, पुलिस विभाग की फजीहत होती नजर आ रही थी। उधर विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा था, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था मुख्य आरोपी धीरेंद्र। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इस मामले में अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर इसको गिरफ्तार कहां से किया गया है, लेकिन ये खबर है कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।